हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे अभी हम लोग हैं इगतपुरी में, देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं कि हमारा विला रेडी है कि नहीं। भाई अभी हम बहुत थक गए हैं, तो अभी वही देख रहे हैं कि भाई विला सच में क्लीन हो रहा है कि वैसे ही बोल रहे हैं। तो अभी हम विला के अंदर आ गए हैं और यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, और ऊपर भी विला ही है। दो फ्लोर का हमने रेंट किया है पूरा। ओहो भाई, दो फ्लोर पे तो विला ही है, और यहाँ का जो टेरेस देख लो भाई कितना बड़ा है। यहाँ पर भी है, रूम भी काफी अच्छे है, नहीं करण? वॉशरूम भी बहुत मस्त है। ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर था, ये अपना ग्राउंड फ्लोर, और ये भी काफी स्पेशियस है। बस यहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, फिर डाइनिंग टेबल, और इधर भी एक रूम है। और एक बात मुझे अच्छी लगे कि यहाँ पर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर एक छोटा सा किचन भी है। क्या बात है कि अपना एक कॉमन वॉशरूम है भाई, काफी स्पेशियस है ये विला। पैसे वसूल ना करण, हमने इतनी वेट की, लेकिन प्रॉपर्टी ये बहुत ही अच्छी है। चलो भी फटाफट नीचे जाए ब्रो। हाँ, और अभी इधर हम एक एक करके सब सामान कार में से बाहर ला रहे हैं, और पानी की बॉटल्स तो देखो कितनी सारी हमने लेके रखी है भाई। अभी मैं बाहर लेके रेडी हो चुका हूँ, और अभी भाई हम सब लोग जा रहे हैं बाहर ऐसे भी घूमने, क्योंकि अभी 12 बजे है और लंच होगा हमारा करीबन 2:30 या फिर 3 बजे। तो उतने घंटों तक तो हम ऐसे ही बैठे रहते, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बाहर थोड़ा चक्कर मार के ही आ जाते हैं। तो अभी सब लोग रेडी है, बाहर रेडी, चल चल फटाफट। ये आज कर रहे ना, ये फुल रेडी है। मैंने आज बात ले लिया ना, तो बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। नींद बहुत आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। 11 बात बाकी है। हाँ भाई, वैसा भी दोपहर के 12 बजे है, लेकिन फिर भी इतनी धूप नहीं है, हम सहन कर सकते हैं उतनी है। अभी एक बार चेक इन हो गए ना, इसके बाद भाई सब अच्छा लग रहा है। अभी हम मेन इगतपुरी में आए थे, लेकिन हमने इधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखा ना, तो हमने सोचा कि अभी हम सीधा भाई विला पे ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी इधर कार पार्क करने की भी जगह नहीं थी। तो हमने सोचा कि अभी चले ही जाते हैं, बिकॉज अभी नींद बहुत आ रही है, लंच भी बाकी है, तो अभी हम सीधा लंच करके सो ही जाएंगे। और वैसे गाइस, मुझे एक ऑनेस्ट राइडिंग ऐप का पता चला है कि जहाँ से आप इजिली अपने रोज के एक्सपेंसेस की जरूरत पूरी कर सकते हो, तो उस एप्लीकेशन का नाम है बिनोमो। इंडिया में बिनोमो में 2 मिलियन सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी है, और इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि ग्राफ का डायरेक्शन अप जाएगा या फिर डाउन। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें टाइम फ्रेम इंडिकेटर जैसे हेल्पफुल ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे ग्राफ डाउन था और आपका 90% चांस लग रहा है मुझे, तो यहाँ मैंने एसेट सिलेक्ट किया एंड 1000 रुपीज का अप डायरेक्शन में प्रिडिक्शन कर दिया है। अब देखो, ये अब जा रहा है। वाह, मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया भाई। मैंने 1000 रुपीज लगाए थे और पूरे 1840 रुपीज का ट्रेड विन कर लिया। और गाइस, आप अपने विनिंग आराम से अपने पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। रुको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, डन, पेटीएम से सीधे अपने पास। एंड स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स को स्क्रीन पर दिए हुए कोड से फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस, एंड ट्रायल एंड सीखने के लिए 65,000 रुपीज का फ्री डेमो अकाउंट भी। तो भाई वेट किस बात की, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आर यू बिनोमिस्ट, ज्वाइन नाउ। खाना हो गया हमारा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक साल भी नहीं हुआ है चालू होकर, ये कोविड का टाइम है, हमने टॉवेल से रखे ही नहीं। देखो, नया मंगवा के दे दो, या मेरे को बोल दो मैं ले, 3 मंगवा के दे दो, जो भी चार्ज हो। मैं 3 न्यू चाहिए आप। भाई अभी इधर 3 लोग टॉवेल नहीं लाए हैं, आर्थ नहीं लाया है, फिर और कौन नहीं लाया है? अच्छा, पार्थ की जो पूरी फैमिली वो भी नहीं लाया टॉवेल, तो अभी नया लेके वो देंगे हमको, क्योंकि अभी इधर टॉवेल है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर भाई विला है, तो यहाँ पर होटल जैसी सर्विस नहीं मिलती है और ना ही इतनी फैसिलिटीज, तो टॉवेल ऐसे कुछ चीज़ें वो देते नहीं है, तो अब इसीलिए नया वो मंगवा के हमको देंगे। ऐसे अभी नींद मुझे बहुत आ रही है, तो भाई ऊपर मैट्रेस तो लग गई है, बस अभी सोना है हमको सिर्फ आराम से बस, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं, और जो सबने लंच किया थोड़ा हम नीचे टहले, और भाई अभी तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। अभी हम लोगों को कब से सोना है, लेकिन ये टेबल अभी क्लीन करने के लिए नहीं आया है, और अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं, और इसको तो भाई कब की नींद आ गई, इसकी आप हालत देखो। पार्थ, अभी वो एक्टिंग मत कर, अभी जागना है भाई हमको। अरे भाई आओ, इधर की सर्विस बहुत खराब है, एक चीज मंगवाने के लिए हमको भाई बार बार बोलना पड़ता है, फिर वो आती है, और आपको जो चीज चाहिए ना वो 1 घंटे पहले आप बोल दो, तो 1 घंटे के बाद ही वो आएगी। हाँ, और वो भाई आधी अधूरी वो लोग भेजते हैं, क्या करें। चलो भाई, अभी ये टेबल भी क्लीन हो गया, और जो ग्लास थे किचन में वो भी क्लीन हो गए। भाई ये इधर ही सो गया,
चल अभी फटाफट जाए ऊपर, अच्छे से लॉक करना ब्रो, ये पूरा विला भी तेरे ही हाथ में है भाई। हम तीनों सिंगल है ना, तो अभी हमारा सोने का जुगाड़ देखो, हम इधर सोने वाले हैं क्योंकि जो कपल में आए थे वो लोग तो बेडरूम में गए। ये देख सिंगल होने का नुकसान हमारा, शादी कर ले ब्रो। ये मुझे नींद में से जगाने के लिए आया है, क्या हुआ? बारिश हो रही है रुपया मसूर। बारिश इधर अभी? चेंज अब मेरी हालत देखो, और ये गुंजल की भी बारिश दिखाने के लिए हमको भाई नींद में से जगाया। भाई पूरी ना भाई, क्या मौसम है, क्या मौसम है, ये खुशियों की बारिश हुई देखा, फिर मजा आ गया। मैं 8 बजे में उठा, फ्रेश हुआ और फिर सीधा मैंने डिनर कर ही लिया, बिकॉज जैसे अभी मैं नीचे आया उठकर तो सारे लोग खा ही रहे थे। पिज्जा मंगवाए थे, फिर भाई मैकडी के जो पनीर है बताए वो, फिर बर्गर, फिर बहुत सारी चीजें थी। और अभी इतना सारा खाना तो अभी बचा है क्योंकि करण का खाना बाकी है। नहीं करण रात को खाएंगे। अभी बारिश के बाद ठंडी कितनी भी बढ़ गई है यार, इतनी ठंडी नहीं थी लेकिन अभी रात को तो भाई बहुत ही ज्यादा लग रही है। अभी हम बारिश को मिस कर रहे थे क्योंकि इधर जो लोग हैं ना उन्होंने बोला था कि इधर लोग सबसे ज्यादा बारिश में आते हैं, तो हमने सोचा कि यार अभी बारिश में हम कब आएंगे, लेकिन भाई देखो आज बारिश भी हो गई। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और इधर रात को 9:30 बजे भाई सब कुछ बंद हो जाता है। देखो ये शॉप भी अभी बंद होने को आई है। सुबह जिस शॉप पे आए थे ना वहीं पर अभी हम आए हैं आइसक्रीम कोन लेने के लिए। माल की हेरा फेरी हो रही है, बहुत सारा हमने नाश्ता ले लिया और ये बॉक्स में आइसक्रीम कोन, फिर ये सुबह जो मैंने बिस्किट का एक पैकेट लिया था ना, एक बड़ा सा बॉक्स, वो हमने 2 ले लिए। भाई ये सबको पसंद आया, बहुत मस्त है वैसे ये। भी हो गया सुबह वाला। आज सुबह से हमारा यही हो रहा है कि हम विला पे जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर से हम निकलते हैं कुछ खाने की चीज लाने के लिए। बस यही चल रहा है आज का पूरा दिन। सो आज सेकंड डे है। वैसे कल तो भाई पूरा दिन भाई भागम दौड़ी थी, बिकॉज हम विला से बाहर जाते थे कुछ खाने की चीज़ लेने के लिए और फिर वापस आकर यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते थे, ऐसा उधर उधर नीचे जाते थे, फिर टेरेस पे जाते थे, फिर खाना पीना, बस वही हो रहा था। हम सब लोग आज जाने वाले हैं घूमने के लिए इगतपुरी और अभी 8:45 हो रहा है। मैं अभी बात लेके रेडी हो चुका हूँ। वैसे मेरी आँख तो भाई 7 बजे ही खुल गई थी, लेकिन फिर ऐसे ही मैं बिस्तर पर लेटा रहा, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई बात ले लेते हैं। और फिलहाल तो अभी सब लोग सो ही रहे हैं, जो अंकल आंटी थे बस वो अभी जस्ट उठकर रेडी होने लगे हैं, तो अभी 1-2 घंटे में अभी सब लोग उठ जाएंगे। यहाँ के 1-2 जो लोग हैं उनको हमने पूछा था तो उन्होंने 2-3 जगह बताई है, तो अभी जाते हैं भाई घूमने के लिए। यहाँ पर नेटवर्क अच्छे से आता भी नहीं है और नेट की तो आप बात ही छोड़ दो भाई, 3G हो जाता है, फिर कोई कोई बार 2G हो जाता है, फिर 4G भाई पता नहीं, और 4G लिखा हुआ आता है लेकिन नेट तो चलता ही नहीं है बिल्कुल। और मेरे जो 2 बेस्ट फ्रेंड है ना, पार्थ एंड कुंजल, उनके मॉम डैड के साथ वो लोग आए हैं, तो यहाँ पर भी 2 फैमिली साथ में है हमारी, तो ऐसा व्लॉग शूट करने में तो देखो भाई मज़ा आती है, उनको भी ऐसा अच्छा लगता है कि व्लॉग के अंदर आए। लेकिन ऐसा देखने जाएं तो जो मेरा कंफर्ट जोन बनना चाहिए ना वो ऐसा नहीं बन रहा है और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कोई कोई टाइम पे, बिकॉज अचानक से भाई इतने सारे लोग आ जाए और आपको व्लॉग शूट करने को रहता है तो ऐसा थोड़ा लाइक वियर्ड लगता है। अब आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसा शर्म नहीं आती है मुझे क्योंकि भाई ये तो मेरा काम है। बट अभी एक दिन चला गया ना तो भाई अभी कोई टेंशन नहीं है भाई, अभी तो आज तो एकदम मस्त व्लॉग शूट करूँगा। भाई मेरे जो 2 फ्रेंड है अभी उनको उठाते हैं बिकॉज वो लोग भी सो रहे हैं और अभी तक नहीं उठे भाई। ये देखो पार्थ एंड करण 2 लोग सो रहे हैं, पहले किसको उठाया जाए? करण ब्रो गुड मॉर्निंग हो गई। पार्थ सुबह हो गई, मामू उठ जा। गुड मॉर्निंग ब्रो। भाई पार्थ को उठा, वो तो हमसे पहले सो गया था, हम तो अभी उठ गए लेकिन ये नहीं उठाया, पता नहीं इसको कितनी नींद आती है। भी सुबह सुबह उठकर जाता है टॉवल लेने के लिए, बिकॉज जैसे कि मैंने कल बोला था कि भाई इधर टॉवल नहीं देता ये लोग, और हमने बोला था कि हमको नए ला कर दो लेकिन वो भी नहीं दिया। नहीं करण दुकान बंद है। हाँ भाई यहाँ पर बहाने बहुत देते हैं ये लोग। अभी सुबह सुबह उठकर भाई ये बिस्किट खा रहा हूँ, और भी है नाश्ता तो, बट ये अपन का बहुत पसंद है तो अभी फिलहाल यही खा के निकलते हैं। मुझे लगा था कि इधर सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी हमारी और रियलिटी क्या है? हवा ज्यादा चल रही है लेकिन जो ठंडी होनी चाहिए ना यहाँ पर उतनी नहीं है, ठंड थोड़ी कम है भाई। चलो फाइनली ये शॉप हमको मिल गई। मेरे पास डिओडोरेंट नहीं था तो वो भी मैंने ले लिया। और करण टॉवल मिल गए?
टॉवल भी मिल गया भाई। ट्रिप पे मैं निकलता हूँ ना तो मैं एक भी चीज नहीं भूलता हूँ, लेकिन बाय चांस ये डिओड्रेंट में लेने का भूल गया था घर से। कल बारिश हुई थी तो इसकी वजह से यहाँ पर भाई कितना ज्यादा भाई स्लश है देखो। आगे के ये टायर भी भाई थोड़े बहुत स्पिन होते हैं। अभी ये कुंजल ने मुझे ड्राई फ्रूट कचौरी दी और इसका पैकिंग देखो कितना सही है, ऐसा चॉकलेट जैसा लग रहा है। फाइनली अभी रेडी होकर हम लोग अभी निकल रहे हैं। सबसे पहले तो हम नाश्ता करेंगे बिकॉज भूख बहुत लगी है। और ये देखो हमारा भूखा इंसान भाई, सुबह उठकर मैंने ये भाई ये बिस्किट के 3-4 पैकेट तो मैंने खा ही लिए, लेकिन अभी भाई प्रॉपर नाश्ता करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी हम सब लोग रेडी होकर वेट कर रहे हैं इसके छोटे भाई की। क्यों नहीं आ रहा है जवाब दे, तो बहुत लेट करता है, देर से उठा है। छोटे भाई हमेशा ऐसा ही रहता है। हम फिर से आज वही शॉप में आए भाई वड़ा पाव और मिसल पाव खाने के लिए। जो वड़ा पाव खाने हम कल आए थे ना, तो यहाँ पर हमने वड़ा पाव भी खाया पेट भर के और साथ में मिसल पाव भी। भाई मजा आया नाश्ता करके। और देखो अभी ये जीरू मसाला सोडा पी रहा हूँ, खाना बहुत खा लिया था ना तो इधर भाई नींबू सोडा नहीं मिलती आजू बाजू, तो मैंने सोचा की अभी ये जीरू मसाला सोडा ही ले लूँ। तो अभी हम पहले घूमने आए हैं भाई भावली डैम, अच्छा नजारा है, लेकिन अभी डैम थोड़ा आगे ऐसा लग रहा है। तो भी यही है, अच्छा इतने में इतना ही मिलेगा। और अभी हमको यहाँ से चलकर वहाँ तक जाना है, देखो वहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल मुझे दिख रहा है, डूब भी नहीं है बिकॉज ये बादल की वजह से। आंटी मजा आ रही है। ऐसा हम इगतपुर के जिस विले में रुके थे ना, तो वहाँ से तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई इतना खास नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन हम जैसे ही भाई ये डैम पे आए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से नजारा बहुत ही प्यारा है। फ्लावर है वो सेल हो रहे हैं, तो अंकल ने ले लिया आंटी के लिए। वाह अंकल ये देखो पार्क, तेरा वीडियो बहुत एपिक आएगा। अंकल कहाँ गए? हाँ बस हाथ लगाओ, ये परंपरा है। गुंजल अभी तेरी बारी, अभी नहीं नहीं अभी अच्छा लग रहा है, तेरे सिनेमेटिक शॉट तो देख। ओ ओ हो भाई रोलर कोस्टर वीडियो। अभी हम ददुड़ी देखने जा रहे हैं, ददुड़ी ये वाटरफॉल नहीं है, ये वाटरफॉल नहीं ददुड़ी बोल देखने जा रहे हैं। ददुड़ी यानी कि बहुत छोटा सा ये वाटरफॉल है। सबका हाल हो रहा है बेहाल क्योंकि यहाँ पर ऊपर चढ़ना बहुत ही ज्यादा टफ है, देखते हैं अभी हम ऊपर जा पाते हैं कि नहीं। भाई अभी नीचे भीड़ बहुत है, तो बस अभी यहाँ से यू टर्न मार देंगे ऐसा लगता है। बाहर जाना है नीचे, मुझे तो नहीं जाना है। नहीं जाना है, ये ददुड़ी जैसा है वाटरफॉल। अंकल की लैंग्वेज में कहाँ गए अंकल, सही ना? सही बात। अभी हम दूसरा वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई सीन ही होगा हमारा। ये भी ददुड़ी फॉल है, ये तो ददुड़ी अभी यहाँ पर कुछ नहीं, ददुड़ी से भी कम है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। देखो बोल मेरे यार अभी क्या करना है, जबरदस्त। लेकिन आगे तो बोल क्या करना है, आगे करना एक है, आगे से कहीं पे जगह मिल गई तुरंत यू टर्न, तुरंत बस अभी हमको यू टर्न लगाना है। सारे वाटरफॉल देख लिए भाई। इसने हेडफोन कैसे लगाया है देखो, किस कान से सुनता है या फिर कहीं, ये सब गुची गैंग वाले है, गुची गैंग गुची गैंग। अबे वो करण क्या पूछने गया, आगे है कुछ? हाँ, आगे कुछ है, कुछ है लेकिन क्या है वो पता नहीं। अच्छी बात है, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ओ, 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 आगे कुछ है लेकिन 35 किलोमीटर के बाद। करण कितना किलोमीटर है अभी? 35। अभी क्या बस नाम बोलते बोलते पहुंच जाएंगे, कहीं नहीं अभी जोर से बोलो जय माता जी। कोल्ड ड्रिंक ये मेरे पैरों पे गिर गया था तो भी अच्छा है, यहाँ से भाई पानी जा रहा था तो भाई स्लीपर अभी क्लीन हो गए। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि ये रोड पे भाई मोड़ बहुत सारा है, तो इसकी वजह से भाई ऐसा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है तो अच्छा है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये अभी एक तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी ये लोग पूछ रहे कि भाई आगे कुछ है कि नहीं। भाई देखो ये अपना फायदा निकल रहा है बाहर, ये लोग तो अपना फायदा निकल रहे हैं, देख भाई पूछ के। पंद्रह 20 मिनट लगे हमको और सिर्फ अभी तक हमने 5 किलोमीटर ही काटे है। तो ये मोड़ बहुत सारे हैं ये रास्ते पे और कार की स्पीड 15-20-25 यही रहती है। मैं भी फिर से हमको यू टर्न मारना पड़ेगा, ये हमारा ड्राइवर ही अच्छा नहीं, हमारी मांगे पूरी करो ड्राइवर चेंज बस। ये भैंसे तो अभी शॉर्टकट मार रही है, करण जाना है इन लोगों के साथ। तो ये डैम है और मुझे एक साउथ की मूवी की याद आ रही है कि उसमें सेम ऐसा ही एक डैम था, एक बड़ा सा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन सी मूवी थी। यहाँ पर तो कुछ था नहीं और हम फोटो क्लिक कर रहे थे, पुलिस वाले आ गए।
तो फिर भाई हमको अभी जाना पड़ा। आज हमारा सिर्फ पोपट ही पोपट हो रहा है, कहीं पर भी हम जाते हैं ना तो वहाँ पर कुछ ढंग का होता ही नहीं है। यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ पर वो पुलिस वाले भाई ने हमको बैठने नहीं दिया। ओ माय गॉड थैंक यू ब्रो, आज ये दुकान वाला बन गया। खाओ खाओ वाले टेस्ट करो, बहुत मस्त है। इधर मोटर बोट है और जो सिंपल वाली बोट आती है ना रॉबर्ट वो भी है, एक चक्कर का 1500 रुपए है और जो सिंपल वाली बोट है उसके 700 रुपए है। तो अभी देख रहे हैं कि भाई कौन सी बोट में जाए, मोटर बोट में ही जाना है तो जल्दी से हम घूम ले। क्या 500 में डन हुई? 500 मोटर बोट? मोटर बोट तो 1500 से सीधा 500? नहीं नहीं 1500 आधा घंटा। अच्छा 700 रुपए का 15 मिनट, 700 रुपए में 15 मिनट, पर जो 15 मिनट वाला है उसमें 500 देना है। अच्छा 200 का फायदा हुआ ना भाई। हमारे यहाँ की सवारी कंफर्टेबल है, बार लग्जरी, बहुत मस्त व्यू है। तेरी फट रही है, मेरी भी फट रही है, अरे हम साथ साथ है ब्रो। तेरी भी फट रही है, आई नो अंदर से फट रही है, बाहर से टाइटेनिक देसी। अरे आंटी नहीं, अरे आंटी आप इधर ही बैठो। अरे आंटी ना, नो नो नो, कुछ भी हुआ भैया पहले मेरे को बचाएंगे फिर आप आपका देख लेना। अरे तू मुझे बचा देना। अरे ये भैया ये भगवान नहीं, सिर्फ ये एक ही बंदे को बचा सकते हैं भाई, सबको नहीं। ये दो लोग अभी टाइटैनिक पोज लेंगे भाई, टेरो टाइटैनिक पोज। अभी सबकी फट रही है लेकिन हम दोनों देख रहे हैं सही सलामत पहुंच गए हम, कुल परफेक्ट सही लैंड हो गया। बोट राइड बहुत ही जबरदस्त थी। करण इधर आना, एक मिनट, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बियर एक्सपीरियंस रहा मेरे करण भाई, थोड़ी बहुत फट रही थी लेकिन मजा आया। बहुत बियर एक्सपीरियंस रहा मेरे करण भाई, कल 4 दिन उसका भी सब घूम रहा है। अबे तुझे चक्कर आ रहा है? हां अबे ओ नहीं नहीं भाई, कोई कोई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है। ये कंपनी को हमको स्पॉन्सर करना चाहिए, ये पूरी ट्रिप नहीं कुंजल, हाँ, पूरी ये पूरी ट्रिप में नहीं नहीं यही चल रहा है पूरी ट्रिप में बस। तीन फैमिली बैग और छोटे छोटे भी जितने थे कल रात, हाँ मैं सब उठा लिया और अभी ऑलमोस्ट खत्म भी हो गए। इसने दारू पी रखी है, देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो एक एक सेकंड में। ये जीपीएस का भी कुछ भरोसा नहीं है, गूगल मैप्स का। अबे ये हो क्या रहा है भाई। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद हम मेन हाईवे पर पहुंच गए। ये आ गया हमारा स्पॉट, फूड स्पॉट। सबने खाना तो खा लिया था, सैंडविच ऑर्डर की थी, डोसा वोसा सब खा लिया था लेकिन हमारा उससे पेट नहीं भरा। तो अभी हम देखो कहाँ पर आए हैं, स्टारबक्स आए हैं। और पार्थ बिल कितना हुआ टोटल? 1700 रुपए, 1700 यानी 1700। ये इतनी बार बस इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हम हर बार जाते हैं ना तो 3-4 हजार का होता ही है। और अभी अंकल स्टारबक्स की कॉफी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कैसी लगी? बढ़िया, लेकिन वो अपनी रोड वाली अच्छी आती है नहीं? तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं और अभी सबका प्लान है कि आज पूल में जाएंगे क्योंकि अभी पानी हो चुका है क्लीन। और वैसे कल हम 11 बजे यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और फिर हम निकलेंगे हमारे घर की ओर। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को वीडियो बिना लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय लोग, बाय बाय बाय।